हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बास्केटबॉल के पहले हाफ में एक टीम को कितने टाइम आउट दिए जाते हैं। तो कितने टाइम आउट दिए जाते हैं, दो टाइम आउट दिए जाते हैं, एक टाइम आउट दिया जाता है, तीन दिए जाते हैं या फिर पांच टाइम आउट दिए जाते हैं, बताइएगा यहां पे राइट आंसर क्या होगा। साथ में स्कोरिंग करके आप लोग अवश्य बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो राइट आंसर के साथ में यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर है 41। सही आंसर क्या होना चाहिए, यूपी टीजीटी के लिए जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। पुराने स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफर है वो उस ऑफर के तहत वहां पे जुड़ सकते हैं। राइट आंसर बहुत से स्टूडेंट्स का ए आ रहा है, जल्दी से क्लिक करिएगा राइट आंसर क्या होता है। बिल्कुल बी ऑप्शन भी कुछ लोगों का आ रहा है, तो देखिएगा ए होगा या फिर बी ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर के साथ में रिलेट कर जाएगा ए उत्तर, ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल के एक मैच में एक टीम कुल कितना टाइम आउट ले सकती है, कितना टाइम आउट ले सकती है, आठ, छह, चार या फिर पांच। तो यहां पे ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बास्केटबॉल में डबल ड्रिबलिंग किस प्रकार का फाउल कहलाता है, जो डबल ड्रिबलिंग है वो किस प्रकार का फाउल कहलाता है ये बताना है। वायलेशन कहलाता है, व्यक्तिगत फाउल कहलाता है, पेनाल्टी कहलाता है या फिर डी ऑप्शन में फाउल होगा। बास्केटबॉल में डबल ड्रिबलिंग किस प्रकार का फाउल कहलाता है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहां पे क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाता है, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। बास्केटबॉल मैच के दो हाफ के मध्य कितने मिनट का मध्यांतर होता है, यानी लंच टाइम जो होता है वो कितने मिनट का होता है ये आपको बताना है। 15 मिनट का होता है, 17 मिनट का होता है, 5 मिनट या फिर 20 मिनट का होता है। तो यहां पे जो राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा ए ऑप्शन क्या होगा, 15 मिनट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 44। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। यूपी टीजीटी के बैच से जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं यूपी टीजीटी के लिए। 700 रुपीज का फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो आप 10,000 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन की। और साथ में आपको जो डेली मॉक टेस्ट ग्रुप में सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है वो मॉक टेस्ट आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वहां पे जुड़ सकते हैं। राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 3 सेकंड्स का उल्लंघन करना कौन सा फाउल कहलाता था। 45 में वायलेशन के साथ में टिक लगा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, इसको ये बता देना कि ओलंपिक में कब शामिल कर लिया गया था। 1900 में शामिल किया गया था, 1896 में शामिल किया गया था, 1904 या फिर इनमें से कोई नहीं। 46 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए उत्तर सही आंसर। और आप लोग को मैराथन क्लास का जो सुपर फास्ट वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जो अभी 125 क्वेश्चंस कंप्लीट किए गए 3 पार्टों में उनका एक पार्ट मर्ज करके कंप्लीट कर लिया गया है, आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं क्या हो जाएगा। प्रथम विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता कब हुई, तो यह बताना कि जो पहली विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी ये कब हुई थी। 1970 में हुई थी, 1972,
1975 या फिर आपका डी ऑप्शन है 1976। जो मेहनत करेगा वो सफलता प्राप्त करेगा, बस कंटिन्यूटी आप बना रखिएगा और मॉक टेस्ट अब लगाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इतने दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर के साथ में बहुत से स्टूडेंट क्लिक किए हैं, लेकिन उत्तर आपका हो जाएगा सी के साथ में 1975 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 48 रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत आपको बता देना कब हुई थी ये बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1934, 1932 या फिर डी ऑप्शन 1935। रणजी ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो 1934 के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्रिकेट में कितने नियम है, थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्रिकेट में अंपायर कितने होते हैं ये भी विवादित क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस आयोग के द्वारा ही जो मान्य होता है आंसर वही माना जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आयोग किसी एग्जाम में दूसरा आंसर सब अटेम्प्ट कराते हैं, फिर दूसरे एग्जाम में दूसरा आंसर, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। किस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 49 यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 42 राइट आंसर, डी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पद्मा ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, तो ये किस गेम से संबंधित है आप बता देना है। पद्मा ट्रॉफी आपने नहीं सुना होगा, रणजी ट्रॉफी सुने होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स क्रिकेट से रिलेट करते हैं, बहुत अच्छे से कोच हैं या फिर आप लोग क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि ये ट्रॉफी किससे रिलेट करती है, तो ये क्रिकेट से ही रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 51 है, रोहिंगटन वारिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, जो रोहिंगटन वारिया ट्रॉफी या किस गेम से रिलेट करती है, क्रिकेट से रिलेट करती है, कुश्ती से रिलेट करती है, इन दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। 51 रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी की बात की जा रही है, तो यहां पे आंसर क्रिकेट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी आपको अभी तक चैनल पर प्रोवाइड किए या फिर जो ग्रुप में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है, सभी आपके एग्जाम के स्तर के क्वेश्चंस हैं। अभी आप लोगों को कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्यू बुक भी आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विजी ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, जो अभी पीटीआई की तैयारी करना चाहते हैं वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9621819209, और प्रेजेंट टाइम में पीटीआई के लिए आप लोग पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज का। बैच आपका 24 सितंबर तक कंटिन्यू चलेगा, जिसमें बुक वन कंप्लीट होने वाली बहुत जल्दी, आपकी इस वीक में बुक वन कंप्लीट कर ली जाएगा, और बुक टू जो स्कैन पीडीएफ से वो आपको यूट्यूब पर भी मिलना शुरू हो जाएगा, ग्रुप में भी मिलेगा, और साथ में थर्ड बुक भी जैसे ये फर्स्ट बुक कंप्लीट होती ग्रुप में मिलना शुरू हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड, पेपर वन से रिलेटेड या पेपर टू से रिलेटेड दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए भी बैच अलग चल रहा है, जिसमें भी आप अगर जुड़ना चाहते हैं उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। राजस्थान पीटीआई वर्तमान में फीस आपकी 500 है, यूपी टीजीटी 700 रुपीज है। ध्यान रखिएगा 52 का आंसर क्रिकेट से रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई आपको बता देना है, 53 सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, इसमें कुछ आप लोग को देखना ही नहीं है, सी उत्तर राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्रिकेट में गिल्लियों की मोटाई कितनी होती है बताइएगा, क्रिकेट में जो गिल्ली होती है इनकी मोटाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है, 1.3 मीटर होती है, 1.4 मीटर या फिर 1.9 मीटर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। वीडियो पसंद आया तुरंत लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में जितने भी आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप्स बने हुए उन सभी में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट्स कहीं से तैयारी नहीं कर रहे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और पुराने वीडियोस को भी आप लोग देखते रहिएगा, अपना रिवीजन करते रहिएगा। मैराथन क्लासेस का भी लिंक दिया हुआ है, उनको भी आप लोग पढ़ते रहिएगा और वहां से अपना मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, देखते रहिएगा।
54 का आंसर हो जाएगा 1.3 मीटर के साथ में बी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? जो क्रिकेट है इसका मूल नाम क्या होगा? टेनिस बॉल हो जाएगा, जमी बॉल होगा, क्लब बॉल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। 55 क्रिकेट का मूल नाम की बात की जाए तो तुरंत आपका आंसर आना चाहिए कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लब बॉल। यहां पे क्या राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा 55 का? बिल्कुल आपका क्लब बॉल हो जाएगा, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 56 लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, आंसर बहुत से लोगों का लग गया होगा सचिन तेंदुलकर, लेकिन ध्यान रखिएगा सुनील गावस्कर इज द राइट आंसर। लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, फेमस है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही उत्तर सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 57 क्रिकेट खेल में रिटर्निंग क्रीज की चौड़ाई कितनी होती है? जो रिटर्निंग क्रीज होती है उसकी चौड़ाई आपको बताना है 57 में, और आप लोग YouTube पर सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी पार्ट आपको देखना है। अगर 132 पार्ट देखना है तो 132 आप लोग पार्ट डालिएगा, पुराना वीडियो आपको वहां पे मिलेगा, उसको भी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वर्तमान समय में न्यू सीरीज भी आपकी चल रही, UPTGT, राजस्थान PTI, NVS, KVS, DSSSB, झारखंड PTI, उत्तराखंड LTGrade, उत्तराखंड PTI, सभी के लिए जो भी न्यू सीरीज से पढ़ना चाहते हैं न्यू सीरीज से भी पढ़ सकते हैं। 57 में आप लोगों का आंसर आया है यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 58 भारत के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब को क्या कहते हैं? जो सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है उसको क्या बोलते हैं 58 में? कलकत्ता क्लब बोलते हैं, नेहरू क्लब बोलते हैं, राष्ट्रीय क्लब, या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे पुराना क्रिकेट क्लब जो है 58 का कलकत्ता क्लब हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका क्या होगा सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर का नाम आपको बताना है, अमृता सेन, अंजलि राजगोपाल, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अमृता सेन होगा या फिर अंजलि राजगोपाल होगा, आंसर सी के साथ में भी रिलेट हो रहा है, तो यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन सा है? कौन सा देश है जहां से क्रिकेट की स्टार्टिंग हुई है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैक्सिमम गेम्स का जन्मदाता देश आपको देखे होंगे कि आपका इंग्लैंड ही मिलता है। ध्यान रखिएगा भारत का राष्ट्रीय खेल आपको बता देना है, ध्यान रखिएगा जो आंसर आयोग मानता वही आपको बताना है, सी उत्तर इस प्रश्न का राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान PTI के बैच से जुड़ना चाहते हैं वो 500 rupees का पेमेंट कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, इसी नंबर पर 9621819209 पर, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट, या फिर किसी अन्य के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। और जो भी पुराने स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए थे किसी भी बैच में अभी तक तैयारी कर रहे थे, उनको जो ऑफर हमने ग्रुप में प्रोवाइड किया है उस ऑफर के तहत यहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट पिछले एग्जाम्स में 1-2 नंबर से रह गए थे UPTGT में, ध्यान रखेंगे वो लोग कंटिन्यूटी बना रखेंगे, चाहे आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो चाहे तो सिर्फ और सिर्फ UPTGT की तैयारी कर रहे हो। वैकेंसीज कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, किस तरीके से आपको एग्जाम क्रैक करना है वो आपको सोचना है। तो मेहनत आपको करना है, बाकी एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड करता है किस तरीके से पेपर पूछा जाता है। तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।